Students, in our last class, we have seen what is hard disk, how we work on hard disk, how the tracks are done, how the sectors are done, and how the data is stored, how the data is retrieved in terms of cylinder, track, sector, and zones. Okay, so now today we'll see, we have then seen the latency time, the storage capacity, the seek time, and how the things are worked on a hard disk. Okay, so now today we'll see another storage device, that is zip disk. अभी हर कोई movie देखता है, right? So movie जो है जब बनेगी तो उस समय उसकी जो capacity है वो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लगता है, ठीक है? या कोई मीडिया क्लिप बनती है, जैसे हम लोग एचडी में देखते हैं, हाई डेफिनेशन में देखते हैं, तो वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा लगती है, ठीक है? तो वो चीज हमारे सीडी या डीवीडी पे नहीं आती, तो उस समय वो पर्टिकुलर कंटेंट्स आते हैं जो जिनकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क या सीडी से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होती है, एंड दैट टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड एज जिप डिस्क, ठीक है? अब ये जो जिप डिस्क है, ये कंसेप्ट या ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इन 1995, ओके? और जैसे जैसे फ्लॉपी डिस्क की तो कैपेसिटी 1.44 MB थी या 1.4 MB, 1.21 MB, उसी टाइप की कैपेसिटी थी। फिर बाद में सीडी रोम्स भी आए, बट सीडी रोम्स की भी कैपेसिटी जो थी वो 600 MB ही थी। सो अगर मुझे 600 MB से ज्यादा डेटा चाहिए तो आई नीड अ मोर स्टोरेज कैपेसिटी, बराबर है? और वो भी कैसा चाहिए, जो एक जगह से दूसरे जगह पोर्टेबल रहे। हार्ड डिस्क ही ज्यादा कैपेसिटी वाली, बट उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो डायरेक्टली सीपीयू में फिट रहती थी, वो जो बॉक्स है उसमें फिट रहती थी, कैबिनेट में फिट रहती थी। तो अभी हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना जिसमें हम ज्यादा स्टोर करके रख सके। सो जिप डिस्क इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है? अब ये जो जिप डिस्क था, इट इज स्लाइटली लार्जर देन योर फ्लॉपी डिस्क, और उसकी जो थिकनेस है वो उससे डबल थी, तो वो स्टर्डी थी। जैसे फ्लॉपी है ना, ऐसे थोड़ा सा मोटा वाला प्लास्टिक अगर आप सोचो, तो वैसी फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, तो उससे डबल थिक या ट्रिपल थिक आपको जिप डिस्क अवेलेबल थी, ठीक है? आजकल हम लोग मैक्सिमम डेटा जो है वो हमारा क्लाउड पे रखते हैं, या पेन ड्राइव्स, या फिर जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क, या फिर जो जिसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं, उस पे रखते हैं, ठीक है? सो दैट द आवर डेटा इज हैंडी, बट इन प्रीवियस डेज ये सारा चीज जो है, जितना भी डेटा है वो कहाँ पे होता था, इन द फॉर्म ऑफ इधर जिप डिस्क, हार्ड डिस्क दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, या फिर सीडी रोम ड्राइव्स पे होता था, ठीक है? बट ये ड्यूरेबल के साथ साथ ना कॉस्टली भी था। सो जितना भी जैसे हार्ड डिस्क का डेटा बैकअप लेना है, हार्ड डिस्क तो हमेशा बैकअप में नहीं रख सकते हो ना, मतलब वो तो कंप्यूटर में अटैच रहेगी, तो अगर इनकेस आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या कुछ प्रॉब्लम आया तो डेटा नहीं लॉस होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बैकअप लेते हैं, राइट? तो वो जो बैकअप है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे फिर? तो फ्लॉपी डिस्क तो बहुत सारी लगेंगी, सीडी रोम ड्राइव्स भी बहुत सारी लगेंगी, तो उसके जगह फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन आया जिप डिस्क, जो फ्लॉपी से थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है? तो इसकी कैपेसिटी देखो कितना हुआ करता था, 100 MB, 200 MB, 750 MB, और 750 वाला जो था ना वो ऐसे प्लग एंड प्ले वाले फॉर्म में था, जिसको हम यूएसबी पोर्ट के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट केम उनको, ये जो जिप ड्राइव्स है उनको हम कैसे यूज करते थे, उनको हम यूज करते थे लाइक जैसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क को यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे
जिप डिस्क जो है वो बहुत पॉपुलर क्यों हुआ? पहली चीज, वो हार्ड डिस्क के जैसा फिक्स नहीं था। दूसरी चीज, फ्लॉपी के जैसा क्या कह सकते हैं उसको, फ्लेक्सिबल नहीं था, थोड़ा सा स्टर्डी था, तो ब्रेकरेज या फिर ब्रेकेज या फिर डेटा डिस्ट्रक्शन के जो चांसेस है वो कम थे। ठीक है, तीसरा, आप उस पे जब भी डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, तो ये जो बहुत था वो बहुत फास्ट हो रहा था, जो कंपैरेटिवली आपके सीडी रोम ड्राइव्स पे या फिर ऑन अदर सम ड्राइव्स इट वाज नॉट दैट पॉसिबल। ओके, देन द मेन एस्पेक्ट ऑफ दैट जिप डिस्क इज कि फ्लॉपी डिस्क पे तो मैग्नेटिक कोटिंग हुआ करता था, है ना, जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर का। ठीक है, तो जिप डिस्क पे वो ही कोटिंग बट हैवी क्वालिटी का होगा। ठीक है, सो हैवी क्वालिटी का होगा तो जितना क्वालिटी हाई होता है ना, तो जो रीड और राइट हेड है वो थोड़े अपने साइज में कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो जितना स्मॉलर हेड रहेगा वो ज्यादा डेटा पढ़ सकता था, ज्यादा डेटा लिख सकता था, और उसकी जो हेड पोजीशंस है, जैसे हम लोगों ने हार्ड डिस्क में देखी थी, ऐसी हेड पोजीशंस फिक्स्ड हुआ करती थी। जैसे ये प्लेटर है, प्लेटर के बीच में हेड पोजीशंस फिक्स, तो वैसे जिप डिस्क की भी हेड पोजीशंस फिक्स थी। ठीक है, सो दैट आप एक जिप डिस्क के अंदर बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक पर इंच एरिया में स्टोर कर सकते थे। सो इमेजिन करो, 1 इंच एरिया इतना होता है, उसमें कितनी ट्रैक्स? 1000 ट्रैक्स, यानी हाउ कॉम्पैक्टली द थिंग्स आर अरेंज्ड। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक टू यूज बेस्ट द डिस्क स्पेस इट वाज वराइन। ओके, आई होप प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके, फाइन, थैंक यू। देन नेक्स्ट केम ऑप्टिकल डिस्क। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, उसका रीडिंग मैकेनिज्म, डेटा स्टोर करने का मैकेनिज्म, राइट करने का मैकेनिज्म, ये वेरी होता है। ठीक है, सो आपको वो चीज बहुत फिक्स कर लेनी है कि हर स्टोरेज मीडियम पे सेम टाइप से वर्क नहीं होगा। जैसा स्टोरेज मीडियम रहेगा उसका रीडिंग और राइटिंग मैकेनिज्म अलग रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखा, उसपे का जो कोटिंग मटेरियल था वो मैग्नेटिक ऑक्साइड से बना हुआ था, प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग था। फिर उसके बाद में हार्ड डिस्क पे भी हमने वही देखा कि आयरन प्लेट्स, मतलब वो जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड था, तो जो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पैटर्न में वो डेटा लिखा हुआ जा सकता था। आई डेमोन्स्ट्रेट यू वन क्लिप थ्रू एनिमेशन हाउ द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द डेटा अकर्स ऑन हार्ड डिस्क। ओके, सो नाउ थर्ड वन इज ऑप्टिकल डिस्क। जैसे यहाँ पे जो इमेजिन करो, आपके पास में एक प्लेट ली आपने और उसमें एक रेत डाली, तो एकदम प्लेन किया। ठीक है, तो अब एकदम प्लेन किया और उसमें जहां जहां आपको वन चाहिए आपने क्या किया, उंगली डालते गए। ठीक है, और जहां वन नहीं चाहिए, मतलब आपके डेटा में जहां जीरो है वहां पे कोई आपने नहीं ऐसा छेद किया, और जहां पे वन है वहां पे आपने छेद किया, तो आपकी कुछ डिजाइन दिखेगी एग्जैक्टली वो ही पैटर्न से आपके ऑप्टिकल डिस्क में लिखा जाता है। ठीक है, एक प्लेन, और वो जो छेद होता है ना, अपनी उंगली काफी बड़ी है,
इमेजिन करो अपने उंगली की स्पेस में, 1 इंच स्पेस में, जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, 1000 ट्रैक्स रहती है। तो इमेजिन करो कितना फाइन होगा वो डॉट जो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ठीक है? सो वो कैसे रहेगा दैट आई शो यू। जैसे ये देखो, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है? तो इस प्लेन सरफेस में इमेजिन करो आपने यहाँ पे 1 लिखा, तो ये ऐसा छोटा सा छेद हो जाएगा, फिर वापस प्लेन सरफेस है तो वहां पे 0 है इसका मतलब, फिर वापस 1 लिखा है तो ऐसे ही छोटा सा छेद हो जाएगा, ठीक है? एंड लाइकवाइज, तो जहां जहां 1 1 रहेंगे वैसा ही दिखेगा, ओके? और जहां जहां 0 रहेंगे वहां पे पूरा प्लेन पार्ट रहेगा। होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, जस्ट फास्टली टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। नाउ सो ऑन जिप डिस्क हम लोगों ने वर्किंग मैकेनिज्म देख लिया था। अब ऑप्टिकल डिस्क में हमने क्या देखा कि एक पूरा प्लेन सरफेस है और वो प्लेन सरफेस कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा, ठीक है? और उसकी इसमें जो स्मॉल पिट्स है, ऐसे छोटे 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 अभी जो आपको दिखाए उसमें, और एक लैंड रहेगी, लैंड मतलब रिप्रेजेंट 0, और पिट्स यानी छोटे से जो छेद है उसको हम बोलेंगे, छेद भी नहीं बोल सकते, छोटा सा जो मिनी मतलब बहुत माइन्यूट सा जो कर्व आएगा दैट इज कॉल्ड एज पिट्स, ठीक है? सो अब ये कैसे होगा, ये होता है थ्रू लेजर बीम। जैसे अभी मैंने आपको एक फिंगर का इंप्रेशन बताया, ठीक है? तो वैसे ही फिंगर से नहीं, अब हम लेजर बीम से अगर एक सरफेस है उसके ऊपर जहां जहां 1 है वहां पे पॉइंट करते गए तो वहां पे क्या होगा, छोटा छोटा पिट प्रिपेयर्ड होगा, और जहां 1 नहीं है वहां पे क्या रहेगा, प्लेन लैंड रहेगी। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द राइटिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क एंड इट इज कोटेड विद अ रिफ्लेक्टिव मटेरियल। तो जब भी आप सीडी देखोगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहुत ऐसी शाइनी होती है, और अगर आपने उसको सन साइड या ऐसे टाइड पकड़ा है तो उसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है ना? सो नाउ अब नेक्स्ट चीज, जब हम स्टोरेज डिवाइस के साथ काम करेंगे तो हमारे पहली चीज होगी उसके हिसाब से कि हाउ द डेटा इज रिटन और रीड फ्रॉम इट, दूसरा रहेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी क्या है, ठीक है? सो स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी मतलब आपके पास कोई भी डिवाइस में कितना कंटेंट लिखा जाना चाहिए वो एक चीज होती है, बट उसी के साथ कुछ एरिया जो है वो डिवाइड होता है इन ट्रैक्स सेक्टर्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है? जैसे इमेजिन करो प्लेन प्लॉट है, तो प्लेन प्लॉट पे बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो डायरेक्टली, बट अगर आपको उसको रहने लायक बनाना है तो आपको उसको दीवारें खींचनी पड़ेगी, तो आपका कुछ जो स्पेस है प्लॉट का वो किसमें कैप्चर हो जाएगा या किसमें यूज हो जाएगा, इन द वॉल्स, इन द विंडोज, इन द डोर्स, है ना? बहुत सारी जगह उसका यूज हो जाएगा, और वो छोड़ने के बाद जैसे कबर्ड्स में वो चीज का यूज हो जाएगा, तो उतनी स्पेस छोड़ने के बाद जितना स्पेस आप लोगों का बचता है दैट इज योर यूजेबल स्पेस या जिसमें हम डेटा रख सकते हैं, ठीक है? बट इन ऑल उस प्लॉट की स्पेस जो है वो पूरी काउंट होगी। आई होप यू आर गेटिंग द टू थिंग्स। सो
नाउ विल सी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल का नाम ही क्या है, उसमें राइटिंग मैकेनिज्म जो है वो लेजर बीम से होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी देख रहे हैं. तो अब द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज रियली वेरी लो. लो मतलब कैसे, हार्ड डिस्क जहाँ पे 1 GB 2 GB 1 TB की आ रही है, वहां पे आपकी जो सीडी है, आज से 10-12 साल पहले तक सीडी बहुत बूम में था, है ना. एवरीवन वाज लाइकिंग टू हैव अ सीडी, बट आज उसको उतना वेटेज नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है कंपैरेटिवली, अब उसी का देखो ना अल्टरनेटिव हमारे पास में 1 TB की हार्ड डिस्क आ गई, 2 TB की हार्ड डिस्क आ गई. तो अब 2 TB की हार्ड डिस्क में जितना हम कंफर्टेबली स्टोर कर सकेंगे, उसको हैंडल कर सकेंगे, उसके कंपैरेटिवली तो हमको कितनी सारी सीडीज मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता. ठीक है, तो इसलिए द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज रियली ट्रिमेंडस लो, कम है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक डिस्क, और उसका जो कॉस्ट है वो भी लो है. एक 700 MB की फ्लॉप सीडी जनरली 10 रुपए की आती है. ठीक है, सो लाइकवाइज अगर आपने जितनी आप इमेजिन करो, आपको सपोज 10 GB का 15 GB का अगर पेन ड्राइव की जैसी कॉस्ट है, वो 500-700 में जाती है, उसके कंपेरेटिवली आपकी सीडी की कॉस्ट देखो कितनी कम हो गई. ठीक है, सो इट्स इन कंपैरेटिव टू मैग्नेटिक डिस्क, द ऑप्टिकल डिस्क आर कंपैरेटिवली लो इन कॉस्ट एंड आल्सो देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस. ओके, सो नाउ अब ये जो हमने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ रहे हैं, इसमें टाइप्स क्या है? देर आर मेनी टाइप्स. ठीक है, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, अभी आप लोगों को तो रिट्राइटेबल ही सीडीज काफी जगह मिलती है, बट अगर जैसे भी हम कोई डिवाइस खरीदते हैं तो वो सीडीज पे अपन राइट नहीं कर सकते, उनके साथ जो सीडीज आती है वो रीड ओनली ही रहती है. ठीक है, पहले क्या होता था कि कुछ सीडीज जो है वो रीड ओनली आती थी, कुछ ऐसी आती थी कि जिसको हम एक बार लिख सकते थे, जितना भी डेटा आपको लिखना है पहले सिलेक्ट कर लो और एक ही बार में लिखा जाएगा. दूसरा, बाद में ऐसी सीडीज आने लग गई कि जिसमें हम आज थोड़ा सा डेटा लिखा, सेम सीडी में कल भी थोड़ा सा उसके आगे कंटिन्यू कर सकते, ऐसा भी हम लोग उसमें कर सकते थे. और कुछ सीडीज आई कि उसमें इरेज भी करके फिर से रीराइट कर सकते थे. ठीक है, सो आपको चारों वैरायटी का समझ में आया. एक सिर्फ रीड ओनली, दूसरा रीड ओनली वंस, तीसरा रीड वंस मतलब राइट मेनी टाइम्स बट उस हिसाब से, बट एक ही मतलब रीराइट नहीं होगा, एक ही बार राइट होगा, रीराइट नहीं होगा उसके ऊपर. देन नेक्स्ट एक और वैरायटी हमने देखी जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और राइट को इरेज करके फिर से रीराइट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब पहली वाली सीडी का वैरायटी हम देखेंगे. सीडी का लॉन्ग फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार आपके इंटरव्यूज में या फिर जैसे आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन्स होती है, तो ये जो ऑन छोटे छोटे एक्रोनिम्स होते हैं ये हमेशा आपको याद रखने चाहिए. ठीक है, इट हेल्प्स यू अलॉट टू जनरेट योर स्कोर देयर. ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल क्विज होते हैं जो सब्जेक्ट के रिलेटेड है, तो वहां पे भी आपको ऐसे छोटे छोटे एक्रोनिम्स याद रखने चाहिए. ठीक है, सो सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. रोम का तो हम लोगों को अभी बहुत फिक्स माइंड में बैठ जाना चाहिए कि रोम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी. और अब सीडी जब हम बात कर रहे हैं तो सीडी का मीनिंग क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, अब ये जो सीडी है वो कैसी होती है, जैसे हमारे ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स होते हैं वैसे ही, जो लास्ट
क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, तो ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स के जैसी हमारी सीडीज होती है, ठीक है। ईच डिस्क में एक इंच के, इसमें देखो कितने ट्रैक्स हैं, 16,000 ट्रैक्स, कितना कॉम्पैक्टनेस होगा ना, एक इंच की जगह यानी इतनी, तो इमेजिन करो एक इंच में कितनी लाइंस है, 16,000 लाइंस, सच्चे कॉम्पैक्टनेस। और एक सीडी का जो डायमीटर है जनरली 4.5 इंच का उसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये जो सीडी रोम है, द डिस्क इज रिटन वंस, ओके, जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना वैसे, द डिस्क इज रिटन वंस ओनली ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिट्स एंड लैंड्स। पिट्स एंड लैंड्स अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि जहां पे वन है वहां पे पिट आएगा, जहां पे जीरो है वहां पे लैंड आएगा, ठीक है। वंस द डेटा इज रिटन ऑन सीडी रोम इट इज नॉट इरेज्ड, कौन सी वाली, इसमें जो सादी वाली सीडी रोम है, ठीक है। अब ये कौन सी सीडी रोम्स हो सकती है, ऐसी सीडी रोम्स जो हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मार्केट से मूवी की सीडी लेके आए, या कोई सॉन्ग्स की सीडी लेके आए, या हमारे जो इक्विपमेंट्स है उनके इक्विपमेंट्स के साथ जो ड्राइवर्स के मैनुअल्स या उसकी सीडीज आती है जिसमें ड्राइवर्स लिखे हुए होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए होते हैं, वो सीडीज भी मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की हुई होती है, ठीक है। अब इसका मेजर लिमिटेशन क्या है, दे आर ओनली रीड ओनली, हम उसमें लिख नहीं सकते, आप पढ़ बहुत बार सकते हो, लिख नहीं सकते, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना, ये इट इज 600 MB, इट इज नॉट 6000, ओके, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, इट इज हैविंग द 600 MB कैपेसिटी। देन नेक्स्ट इज वर्म, या राइट वंस रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली डिस्क, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा देखेंगे हम लोग, राइट वंस रीड मेनी, वर्म बोलेंगे इसको, वर्म यानी कीड़ा नहीं, सॉफ्टवेयर में भी वर्म्स होते हैं, दैट विल डिस्कस व्हेन टाइम परमिट्स। सो द ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन बी रिटन वंस बाय द यूजर, यानी हम भी उसको लिख सकते हैं बट एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। और देन द इट कैन बी री एंड री रेड बाय मेनी टाइम्स बाय द यूजर मेनी टाइम्स, ठीक है। एक बार लिखा हुआ डाटा, ठीक है, मैंने एक बार डिस्क पे स्टोर कर दिया, वो डाटा न इरेज होगा न चेंज होगा अनलेस एंड अंटिल मैं वो डिस्क तोड़ के डाल देती हूँ, या उस पे मैं कुछ स्क्रैच कर देती हूँ मैन्युअली, ठीक है। तो तब तक वो डाटा उस पर्टिकुलर सीरीज में एज इट इज रहेगा। अब ये जो डिवाइसेस है जहां पे अपने को अपना कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो किसी ने ओवरराइट नहीं करना चाहिए, टैम्पर नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ऐसे समय पे आप ये वाली वर्म वाली जो सीडीज है वो ला सकते हो, ओके। सो दिस मेक्स वर्म आइडियल फॉर बैकअप एंड आर्काइविंग एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्स फाइल्स दैट नेवर बी ऑल्टर्ड, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, टाइप यस इन द चैट बॉक्स व्हाई। Okay, thank you. Now, what is the difference between a CD and a worm? ठीक है, अब ये जो CD जो होती है उसमें लिखने वाला कौन है, मैन्युफैक्चरर, यानी जब वो मैन्युफैक्चर होगी तभी वो लिखा जाएगा,
बट इन अपना वर्म वाला जो सीडी है वो यूजर लिख सकता है एक बार, ठीक है? दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा, बट मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें सीडी रोम में मैन्युफैक्चरर आपको लिख के देगा, और इसमें वर्म में हम एज ए यूजर एक बार लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क। डेटा कैन बी इरेज्ड, यानी जो RW वाली बोली थी ना आपको, रीड एंड राइट मेनी टाइम्स, वो वाली। सो इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क, द डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड रिरिटन। कितनी बार भी आप उस पे लिख सकते हो, कितनी बार भी लिखा हुआ डेटा रिमूव करवा सकते हो, ये सारी चीजें पॉसिबल है इन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है? अभी जितनी भी मैक्सिमम इरेजेबल डिस्क आती है मार्केट में, उनमें जो रिकॉर्डिंग है दैट रिकॉर्डिंग इज डन यूजिंग लेजर्स, ठीक है? और हर एक का जो आपने फैब्रिकेशन देखा होगा कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलर के आप लोगों को सीडीज दिखाई देते, कोई बहुत वायलेट कलर का दिखेगा, कोई बहुत येलोइश ग्लॉसी कलर का दिखेगा, और कोई एकदम प्लेन सरफेस वाला दिखेगा। सो ऐसे अलग अलग कोटिंग के साथ अलग अलग मेटल्स को यूज करके भी ऑप्टिकल डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। सो डेटाज आर इरेज्ड बाय शूटिंग एंड इवन पावरफुल लेजर एट द डिस्क। अगर मुझे इसमें का डेटा सपोज ये मेरी डिस्क है, ठीक है, इसमें पिट्स और लैंड के इसमें डेटा लिखा हुआ है, तो जैसे अभी हम लोग एक थाली में सपोज इमेजिन करो सैंड डाले हैं, और उसको फिर से कुछ उसमें पिट्स और ये कर दिया, ठीक है? अब इसको फिर से रीयूज करना है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेन कर देते। तो प्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते, एक कोई ऐसा प्लेट या कोई स्केल या कोई स्पून लेते हैं, और उसको फिर से ऐसा पूरा उसके ऊपर जस्ट स्प्रेड आउट करते हैं। और ऐसे स्प्रेड आउट करने से क्या होता है कि जितने भी पिट्स और लैंड्स है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और एक प्लेन सरफेस वापस से क्रिएट हो जाता है, ठीक है? वैसे ही ये जो इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें क्या होता है कि एक पावरफुल लेजर बीम जो है वो पूरे डिस्क पे एक साथ में घुमाया जाता है, और जैसे भी उस पे घुमाया जाता है तो ये सारे कैसे ना मैग्नेटिक, मैंने आपको कहा था नॉर्थ पोल साउथ पोल के जैसा वर्क करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो वाइप आउट हो जाता है, ठीक है? एंड दिस बिकम्स अ पॉपुलर ह्यूज अमाउंट डेटा कैन बी रिटन एंड रीरिटन ऑन इट। तो आप देखो कितनी बार आप एक ही प्लेट में कितने डिजाइन्स बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, वैसे एक सीडी में कितनी बार आप डेटा रख के डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? इट कैन होल्ड डेटा टिल इट इज नीडेड, द मोमेंट यू डिलीट इट इट विल बी रिमूव, टिल दैट टाइम इट विल बी देयर इन योर ऑप्टिकल डिस्क, ओके? आपको वो डिस्क को ब्लैंक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो डिस्क को ब्लैंक करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट रिमूव जस्ट पुट अ पावरफुल लेजर ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्क एंड यू विल सी दैट द थिंग्स आर नॉर्मलाइज्ड, ओके? फिर वो आपकी डिस्क जो है वो ब्लैंक हो जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट न्यू डिस्क के जैसा उसको यूज कर सकोगे, ठीक है? सो इसमें जो डेटा है वो कैसे पढ़े जाएगा, डिस्क तो कंटिन्यूशन में घूमती रहेगी, है ना? आपने देखा होगा एक ऐसा ड्राइव होता है जिसमें बीच में ऐसे कुछ छेद होते हैं, उसमें वो डेटा वो जो सीडी है वो ऐसे हम लोगों को माउंट कर देनी होती है। अगर आपने ढीले से रखी और उल्टी रखी तो वो डेटा रीड नहीं होता है, राइट भी नहीं होता है, ठीक है? तो आपको कैसा रखना पड़ेगा, जो लेबल साइड है वो ऊपर साइड होना चाहिए, और उसको हल्का सा आपको प्रेस करना होता है जब आप उस ड्राइव में उसको डालते हो। और अगर इजेक्टेबल फॉर्म वाली अगर आपकी होगी सीडी ड्राइव, तो
तो आपको उसको जैसे अपन एक कैसेट प्लेयर में डालते हैं वैसे डालना होगा, ठीक है। हर उसको जो रीड करने के लिए या सीडी ड्राइव में राइट करने के लिए हमको एक कैबिनेट हमेशा लगेगा, ठीक है। सो ये जितनी भी ड्राइव्स हमने देखी अभी, वर्म देखा, सीडी सादा वाला सीडी रोम देखा या इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क देखा, ये सबको लो पावर लेजर टू रीड डेटा लगता है, ठीक है। जो लेजर रहेगा वो कैसा रहेगा, लो पावर का, ओके। बट राइटिंग के लिए जो रहेगा वो थोड़ा हाई पावर का रहता है, ठीक है। नाउ हाउ टू रीड अ डेटा फ्रॉम सीडी रोम ड्राइव, कैसे रीड करेंगे बताओ। हम लोग क्या करेंगे, एक राउंड ड्राइव है, तो आपने ऑब्जर्व किया है क्या कभी उस डिवाइस में जिसमें आप सीडी डालते हो, तो जैसे ही आप सीडी डालते हो तो एक मूवमेंट सुनाई देता है, राइट। तो वो जो मूवमेंट सुनाई देता है, तो जैसे ही आप सीडी ड्राइव में डालते हो तो वो स्पिनर जो है वो कंटिन्यूएशन में आपकी जो सीडी है उसको कंटिन्यूएशन में घुमाता रहेगा, और जो हेड मूवमेंट है वो क्या करेगा, आपकी डेटा को फ्रॉम वन ट्रैक टू अनादर ट्रैक ऐसा पढ़ता जाएगा, और उसमें से जो हेड के जो सेंसर्स हैं वो डेटा को रीड आउट करेंगे और वो फिर पास ऑन करते जाएंगे टुवर्ड्स योर मतलब वो मेमोरी में उसको लोड करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ विल सी हाउ अ हार्ड डिस्क व्हेन ओपन विल लुक लाइक। ओके, सो नाउ सी हियर, आप जब हार्ड डिस्क को ऐसे खोलते हो ना, तो इस तरीके से देखो ये दिखाई देता है, ये सैमसंग कंपनी की हार्ड डिस्क है, ठीक है। 160.0 GB यानी 160 GB की वो हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पिंस है, ये पावर और आपकी जो डेटा बस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में जब शेयर किया था, तो ये डेटा बस यहाँ पे अटैच होती है ये वाले सॉकेट में, ठीक है। और आपका जो पावर केबल होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, और ये जो है ये जम्पर सेटिंग्स के लिए होते हैं। जम्पर सेटिंग मतलब आपको आपकी हार्ड डिस्क जो है वो आइदर मास्टर बनानी है या स्लेव बनानी है। मास्टर मतलब बूटेबल, जहां से बूटिंग स्टार्ट होगा, और स्लेव यानी जो सपोर्टिंग हार्ड डिस्क, तो वैसी बनानी है, वो भी आप यहाँ से वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। देन यू विल सी यहाँ पे देखो, इस तरीके से जब हम लोग उसको खोलते हैं, ये देखो वी आर अनवाइंडिंग द स्क्रूज। अभी देखो सारे स्क्रूज खोल दिए, तो ये जो ग्रीन कलर का प्लेट बाहर निकला है ये क्या करेगा, आप जो हार्ड डिस्क से पढ़ते हो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर करेगा आपके रैम मेमोरी में, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक राउंड प्लेटर और उसके साथ में एक कॉर्नर में उसका हेड दिख रहा है। आई होप एवरीवन कैन सी इट। ये देखो दिख रहा है, ये हेड इस तरीके से घूमता हुआ, आप उसके ना मूवमेंट्स, ट्रैक, सेक्टर्स कहाँ से कितने हैं वो भी देख सकते हो। अ सॉफ्टवेयर इज देयर जिसमें आप उस हार्ड डिस्क के सारे कंटेंट्स को पढ़ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सो ये देखिए इस तरीके से आप उसका ये जो है ना हेड की ये वाले साइड, ये इतना जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज हेड असेंबली। और ये देखिए एक सिंपल एक ऐसा केबल होता है जिसमें देखो कॉपर के ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं लाइन से, तो वो डेटा को
कैप्चर करते जाते हैं, ठीक है। और ये जो हेड है ना, ये यहाँ से पढ़ के वो डेटा यहाँ से इधर ट्रांसफर करते जाता है, ठीक है। और ये आपका बीच का स्पिंडल है, ओके। ये देखो इस तरीके के स्पिंडल पे आपका जो हेड है ना, तो देखो आपका कितने, सपोज 3 प्लेटर्स हैं, तो ये देखो 2 + 2 + 2, 6 हेड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस है, मजेदार, समझ में आ रहा है। टाइप वाई इन द दिस टाइप ऑफ, सी द प्लेटर इज देयर, ये ऐसे राउंड डिस्क में होता है। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है। सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आपका हार्ड डिस्क में पढ़ा जाता है, ठीक है। नाउ सी हियर, ये जो राउंड में जो बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स योर 1-1 बिट डेटा, और यू कैन से अ डेटा, ठीक है। अब ये कैसे बैठे हैं, देखो सर्कल में बैठे हुए हैं, तो ईच लाइन इन सर्कल रिप्रेजेंट्स योर ट्रैक, ओके। अब ये देखो 3 प्लेट्स हैं, तो 3 प्लेट्स यानी 3 प्लेटर्स जिसको हम बोल सकते हैं वो, ठीक है। सी दिस वे इट इज मूविंग, और जो आपका हेड है वो एक एंगल के जैसा काम करता है। आप लोग देखो हेड से डेटा पढ़ा जा रहा है, तो देखो वो जिसको ढूंढना है उसको बराबर कैप्चर करता है, और वो डेटा पास ऑन होता है थ्रू आईडीई केबल को। तो जो अभी आपने, आपको मैंने केबल बताई ना हेड के साथ में, तो देखो इस तरीके से डेटा एक 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 उधर पास ऑन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क से डेटा रीड होके कहां पे जा रहा है, रैम मेमोरी को, ठीक है। देखो जो डेटा पढ़ा गया वो रहेगा, जो नहीं पढ़ा गया वो निकल गया है, ठीक है। अब राइट कैसे होगा, तो देखो आईडी केबल ने कुछ लोगों को भेजा है, अब उनको कहां पे ले जाके बिठाना है, ये हेड को बताया गया है, और वो हेड क्या करेगा, देखो ये यहाँ पे डेटा आ गया, और ये हेड को पता है कि अब उनको कहां पे बिठाना है, तो हेड बराबर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको बिठाता जाएगा। देखो दिख रहा है, हेड हैज शोड दिस प्रॉपर प्लेस फॉर दैट डेटा टू सिट ऑन। इस तरीके से आपके तीनों प्लेटर्स में से डेटा रीड या राइट होता है, ठीक है। रीड होगा मतलब फ्रॉम दैट टुवर्ड्स मेमोरी जाएगा, ठीक है।